के ज़रिए हम इमाम ज़माना बानियान की तरफ से इमाम ज़माना अज़्ज़ल्लाहु ताला फ़रजहू को ताज़िया पेश करते हैं और मजलिस का आगाज़ करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मुर्तजा मुस्वी साहब से कि वो तिलावत सूरह यासीन बिस्मिल्लाह करें। जनाब सैयद मुर्तजा मुस्वी साहब। YouTube is not live yet. No one can view it. Start कर सकता हूँ मैं? जी। Okay, it's live now. Sorry, thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वसिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़ुर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा अंज़रहुम आबाहुम क़ौम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अक़नाक़िहिम क़लाअन फ़हिल अत्क़ान फ़हुम मुक़मऊन वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मिन इत्तबिअ ज़िक्रा वक़शिर रहमान बिलग़ैब वबश्शिर मग़फ़िरतन व अजरन करीम इन्ना नहनु नहनुल मौत व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्लु शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्रब लहुम मसलन असहाबल क़र्यह जाल मुरसलून इज अरसलना इलैकुम मसनैन फ़कज़्ज़बहुमा फ़ज़्ज़ना बिसालिस क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुन मिसलुना व मनज़र रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकसबून क़ालू रब्बना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनुजकुम व लयमसनकुम मिनहुम अज़ाबुन अलीम क़ालू तआकुम आकुम अन ज़िक्रतु बल अंतुम क़ौमुन मुसरफ़ून वजाअ मिन क़ज़ातिल मदीनति रजुल यस्अअ क़ाला या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मा ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून व मा ली इल्ला अअबुदुल लज़ी फ़तरअनी व इलैहि तर्जिऊन आतख़ज़ु मिन दूनिहि आलिहतन इन युरिदुर रहमान बसरा ला तुग़नी अन्ना शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िदून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिल मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़अस्मऊन क़ील इद्ख़िलिल जन्नत क़ाला या लैत क़ौमी यअलमू बिमा ग़फ़रा रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन व मा अंज़लना अलल क़ौमिहि मिन बअदिहि मिन जुंदिहि मिनस समाए व मा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत लसैहतन वाहिदतन फ़इज़ाहुम ख़ामिदून या हसरतन अला बअदि मा यअतीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिहि यस्तहज़िऊन अलम यरू कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि इन्नहुम इलैकुम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लमज्मूअ लदयना मुहशरून आयातुन लहुमुल अर्ज़ु महयकना व अहयकना व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिनहा यअकलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नक़ीनिन व अनाबन फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल अयून लियअकलू मिन समरिहि व आमिलतु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्ल मिम्मा यनबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा यअलमून व आयातुन लहुम लैलुन नस्लखु मिनन्नहारा फ़इज़ा हुम मुस्लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल्क़मर क़द्दरना मनाज़िल हत्ता अदा कल अर्जुल क़दीम ला शम्स यनबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर व लैल साबिक़ुन नहार व कुल्लु फ़ल्किन यसबहून وآيات لهم إنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشاء نغرقهم بصرهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منها ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم ترحمون وما تعطيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينقذون فلا يستطيعون نصرا توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من ذات إلا ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محصرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يحزنك إلا ما كنتم تعلمون इन्ना अस्हाबुल जन्नतल यौमा फी शगल फाकिहून हुम वज़वाजुहुम फी ज़लालिन अला अराइक मुत्तक़ऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन क़ौमुन मिन रब्बिर रहीम वम्ताज़ू अल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहुम लकुम अदुव्वुन मुबीन व ना अबुदुनी हाज़ी सिरातुल मुस्तक़ीम लक़द अज़ल मिनकुम जबलन कसलन तअक़लून हाज़िही जहन्नम लती कुंतुम ताक़दून यौमा बिमा कुंतुम तकफ़रून अल-यौमा नक़्तिमु अला अफ़वालिहिम तुक़ल्लिमना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसबून फ़लौ नशाअु लज़मसना अला अय्युहिम फ़स्तबक़ू सिराता फ़इनी यबसरून वलौ नशाअु लमसनाहुम अला मा कानत मिम्मा इस्तताउ मुज़ियतन वला यरजऊन वमन नुअम्मरु ननक्सुहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़लून वमा अल्लमनाहु अश-श़अर वमा यनबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रन व क़ुरआनन इन्नन मुबीन लियुनज़िरा मन काना हीना व बिहक़्क़िल क़ौलि लिल काफ़िरीन अवलम यरौ इन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा आमिलतु अयदीहिम अनआमन फ़हुम ला मालिकून व ज़ल्ललना लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा यअक़लून व लहुम फ़ीहा मनाफ़िअु व मशारिबु अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम यंज़रून ला यस्ततीऊन नसरहुम व लहुम जुंदुन महसूरून फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसर्रून व मा युअलनून अवलम यरुल इंसाना इन्ना ख़लक़ना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुम ख़ज़ीमुन मुबीन वस्रिब लना मसलना व नसिअ ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यी अज़ामा व हुवा रमीम क़ुल युह्यिल्लज़ी शाअ अवला मर्रता व हुवा बिकुल्लि ख़ल्लाक़िन अलीम अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजरि अख़ज़ारिन नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हा तूक़दून अवलैस लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर अन यख़लक़ मिस्लहुम बला व हुवा ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल कुन फ़यकून सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकुतु कुल्लि शैइन व इलैहि तर्जऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बैक टू यू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा सैयद रज़ी मूसवी अलल्लाहु मक़ामहु इब्न सैयद बाक़र मूसवी अलल्लाहु मक़ामहु और सैयद बाक़र मूसवी इब्न सैयद रज़ी मूसवी अलल्लाहु मक़ामहु की रूह को शाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या कना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ूब है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रियान खान साहब से कि वो तिलावत हदीसे के साथ करें। जनाब रियान खान साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत हदीसे के साथ करें। रियान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبا طه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة तमामिही व कमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। فما كانت إلا ساعة वإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه رسول الله أتأذن لي أن أدخل ما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنتي رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ولا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وسهي ولوائي قد أذنت لك فدخل عليا تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني حولي أهل بيتي وقصتي وحمتي لحمهم لم يحمي ودمهم لم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عدوهم ومحب لمن عبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي يا وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي वयासकाना समावाती निमा का लक्ष्य समाअम मबनियन वकाला अर्जन मधियतन वकाला कमारा मनीरन वला शमसन मजीअतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फलकन यस्री इल्ला फी महब्बति हाउला الكمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن رسالتي هم فاطمة وأبوها वबलूहा वबनूहा अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحييك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحلل وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. فقال لي أبي إن لها قد أوها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر كبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أين يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر كبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج له همه ولا مغموم إلا وكشف له غم ولا طالب قضى له حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمद وعجل فرجهم। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक सूरह फातिहा सैयद रज़ी मूसवी साहब इब्ने सैयद बाक़र मूसवी साहब की रूह को शाद फरमाए। और सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम के कुछ शेर पेश करता हूँ। वो एक नाम जो अहमद का था पुकारा हुआ, वो एक नाम जो अहमद का था पुकारा हुआ, मुसीबतों में वही अपना भी सहारा हुआ। चराग बन के चमकने लगा वो तुरबत में, चराग बन के चमकने लगा वो तुरबत में, जो नक्श सीने पे मातम ने था उभारा हुआ। शबाबे अहले जिना के हुसैन हैं सरदार, शबाबे अहले जिना के हुसैन हैं सरदार, जिना पे उनके गुलामों का यूं इजारा हुआ। बताएं तुमको सितारे कहाँ से आए हैं, अजा का अश्क जो टूटा फलक का तारा हुआ। मेरी निगाह में खुर्शीद सिक्के जर है, अली के लाल के रूए हसी पे वारा हुआ। आज तक तरो ताजा है गुलशने इस्लाम, जवानी अली अकबर का है निखारा हुआ। अल्लाह, ये शेर खास तौर से देखिए कि कहा सकीना ने असगर से बांट लें मैदान, कहा सकीना ने असगर से बांट लें मैदान, हमारा शाम हुआ नैनवा तुम्हारा हुआ। जो हक की फतह को हाजत थी इस्तेआरे की, तबस्सुमे अली असगर वो इस्तेआरा हुआ। हुआन हश्र छिनी जब रिदाए बिनते अली, फलक को कैसे ये मंजर भला गवारा हुआ। आखिरी शेर है कि अजब है फतह हुसैनी के बाद एक करबो बला, अजब है फतह हुसैनी के बाद एक करबो बला, सवाल बैत फासिक न फिर दोबारा हुआ। मक्तारज़े के मिलें जो कौनो मकां भी तो क्या करे इरफान, मिलें जो कौनो मकां भी तो क्या करे इरफान, तुम्हारे दर पे मेरे शाह जब गुजारा हुआ। वो एक नाम जो अहमद का था पुकारा हुआ, मुसीबतों में वही अपना भी सहारा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह। ये थे जनाब अली इरफान साहब जो अपना ताज़ियती कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं आप सबसे इजाज़त लेके मैं चार मिसरे सलाम के अर्ज कर रहा हूँ। आप तो गुजारिश है कि बावज़ बुलंद एक सलवात कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला से चली एक बेकस बहन, भाई से आलम गुरबत में वतन याद आया। अब शहीदों को कहती हुई अलविदा, आई से आलम गुरबत में वतन याद आया। खुद को नाके से गिरा कर ज़ैना, कहने लगी रो कर ना दे सपना है ना लोग अपने हैं। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर, ना दे सपना है ना लो लोग अपने गए। ये देख जरा ए तश्ना दहन शानों को मेरे जकड़े है रसन, और उस पर सितम है सर पर नहीं चादर। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर। नादे सपना है ना लोग अपने हैं, कल साथ तेरे हर गाम चली, अब खैदी हुई और शाम चली। इस दर्द के मारे रोती हूँ खुले सर। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर। नादे सपना है ना लोग अपने हैं। ऐ भाई तेरी गुर्बत की कसम, तामर्ग नहीं भूलूंगी ये गम। परदेश में आकर नौहा है लबों पर। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर। नादे सपना है ना लोग अपने हैं। क्या क्या न हुई ज़ैनब पे जफा, सब ख़ैमे जले असबाब लुटा। पर सब से बड़ा है ये गम मेरे दिल पर। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर। नादे सपना है ना लोग अपने हैं। इरफान और मजहर कह न सके, जो बिनते अली ने बैन किया। फटता है कलेजा इस बात को सुनकर। मैं कैसे कफन दूं मेरे मजलूम बरादर। नादे सपना है ना लोग अपने हैं। आज शबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शबे, तो मैं चार मिसरे बानियाने मजलिस की इजाजत से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम जमाना को पुरसा पेश करते हुए जो अल्लाह ताला चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। हाय जाफर सादिक, हाय जाफर सादिक, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हाय हुसैन कह कर आंसू बहा रहे हैं। काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। ताबूत को उठाकर कितने कदम बढ़ाए, हर एक कदम पे उनको सज्जाद याद आए। आबिद की बेबसी का नोहा सुना रहे हैं, काजिम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। मंसूर ने ग़िज़ा में ज़हरे जफ़ा दिया था, मज़लूम के बदन पर जिसका असर हुआ था। अफलाक से मलाइक पुरसे को आ रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। हैदर से दुश्मनी ये अब तक नहीं रुकी है, मौला हसन से लेकर जाफर तक आ गई है। हर एक चिराग ज़हरा जालिम बुझा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। निकला दहन से बाहर, आया जिगर जो कट कर खूरंग हो गया था। मौला का मेरा बिस्तर मंजर ये अहल दिल के दिल को दुखा रहे हैं। हाय जाफर सादिक, काज़िम उठा रहे हैं जनाजा जाफर का। सलमान और मीसम देखा ये ख्वाब अक्सर, बादे ज़हूर मौला मेहदी बकी में आकर। ज़हरा का और इनका रोजा बना रहे हैं, आए जाफर सादिक, काज़िम उठा रहे हैं जाफर का जनाजा। मोहम्मद। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मीर अब्बास अली साहब से कि वो ताज़ियत सलाम पेश करें। जनाब मीर अब्बास अली साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। आज मख्तल में फकत बात तुम्हारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझसे रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझसे रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वाला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, जाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन। कोई लूटे न इसे ऐसे बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी अम्मा ने जो पोशाक वाला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना से उतरवा लो गौहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा लो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वाला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। बाहर आने को लखे में से मैं कहता तुमको, होता अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको, होता अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको। बन के अब्बास मुझे जी पे बिठा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। क़ैद खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इसे मजलूम हो रुखसत बीबी, गोद में लो इसे मजलूम हो रुखसत बीबी। मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बीनाई भी आंखों की गई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई, लाके दे दो अली असगर की निशानी कोई। कुर्ता बेशीर का आंखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिना दो ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आबिद भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो ऑनलाइन आए। आबिद भाई भाई जनाब सरगुरोह मरसिया खान हैदराबाद में मशहूर हमारे मरसिया खान सरगुरोह मीर मोमिन अली खैसर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मरसिया पेश करें। जनाब मीर मोमिन अली खैसर साहब। सब थम गए मगर ना थमा शिमर बश्यम सर पे नगदा। सीना दबा तो भीतर पे शहरे हातिल से पूछा दे किधर गुलिये होता है। वो बोला कोई होगा मैं देखूं भला किधर, अब तेग पर निगाह है शहरक पर है नजर। हाँ जब सवार होने लगा था मैं सीने पर इस दम हमारी फौज में तो ईद होती है मुझे। बोले और कोई नहीं है बोले और कोई नहीं है आशा बहनों चंद आशा बहनों। भूले हमारे प्यार में माँ का चलन बहन बला बलवा कहाँ कहे हातिल पुकारा ये भी बाहर ये आई थी यो रोना बेटा चीता भरना यो रोना बेटा चीता भरना यो थर थराना दिल वाले यो थर थराना दिल वाले। कहना बिलक बिलक के ये कलमा हिरास का लिल्लाह की रोज के प्यासे को छोड़ दे सदा अब मैं गुजारिश करता हूँ मेरे बरादर अजीज आखिर शबाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मौलवी सैयद नुमान हुसैन साहब क़िबला क़ाम जमा मस्जिद जाफरी हैदराबाद इंडिया। आवाज नहीं आ रही, वीडियो रुक गया। जी आबिद भाई, मौलाना का वीडियो नहीं आ रहा, एक बार आप चेक करिए ना। जी जी वही, मौलाना का वीडियो रुक गया है और आवाज भी रुक चुकी है। जी जी वो अनम्यूट करिए। जी जी अभी आ रहा है जी, वीडियो आ रहा है, उनको अनम्यूट। बिस्मिल्लाह करना ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اللهم صل على محمد وآل محمد وآل فرج। عزیزان محترم, ناظرین گرامی, قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ لقمان کی آخری آیت के हिस्से है और इस तारीख में कि जो हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक हजरत की शहादत से मखसूस ये तारीख है। अगर किसी और आगे भी अय्याम हजरत की शहादत और शुभवारी से मखसूस है, उसी से मरबूत करते हुए गुफ्तगू का आगाज किया जाए। ज़ाहिर कुरान मजीद ये आयत और ये अल्फाज एक बहर बेकरार इल्म मारिफत का, जहाँ मारिफत परवरदिगार, उसका इख्तियार, उसका इल्म और उस इल्म की वुसअत जिसे कुरान ने अपने ये अल्फाज में बयान किया है। सदियों से तफसीरें हो रही हैं और होती रहेंगी और उसी के साथ आइम्मा अलैहिस्सलाम का कलाम जो इन अल्फाज को बेहतरीन तौर पर वाज़ह करते हुए ऐसी तफसीर पेश कर रहा है कि हर दिल में नूर और रोशनी का न सिर्फ इजाफा हो बल्कि वो मारिफत की बुलंदियों को छू जाए। अगर इख्तिसार के साथ देखें तो जिस अकीदे और जिन अकायद को मजहब इस्लाम शरी ने पेश किया है, बिलखसूस अकीदे तौहीद, बिलखसूस मारिफत बारी ताला और फिर अल्लाह के इल्म, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसका फैसला और उसकी मंशा और उसकी मसलहत और उसकी हिकमत जिसे एक के बाद एक पेश किया गया, उसे आयत के साथ आइम्मा का कलाम। ये याद रखें, कुरान बगैर अहले बैत के समझा नहीं जा सकता है। कुरान सामित है, अहले बैत नातिक है। ये सकलैन है, पैगम्बर ने कह दिया नहीं यफ्तारिका, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। वो कलाम खुदा है, ये नूर खुदा है। वो कलामुल्लाह है, ये नूरुल्लाह है। कलामुल्लाह को नूरुल्लाह से समझा जाए और इसी तरह नूरुल्लाह की फजीलतें कलामुल्लाह से समझी जाए। तो जिन बातों का इस आयत में और इन अल्फाज में जिसे परवरदिगार आलम ने पेश किया है, अगर सिर्फ हम तर्जमे की हद तक देखें तब भी हर इंसान के लिए मारिफत के दरवाजे खुल जाए। तफसीरें हैं, तफसील है, उसका अपना मौका है, उनके अपने मौके हैं, लेकिन अगर इख्तिसार के साथ इन अल्फाज की गहराई को पहचाने कि जहाँ पर कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, किन चीजों का ऐलान किया है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साहा, यकीनन, बेशक, बेतहकीक, अगर क़यामत का इल्म है तो अल्लाह के पास। खैर अल्लामुल ग़ुयूब उसकी ज़ात, इल्म ग़ैब उसके पास। तमाम अव्वलीन और आखिरीन के हालात से वो बाखबर, कुछ नहीं था तब भी वो था, कुछ नहीं रहेगा तब भी वही है। अव्वल वही है, आखिर वही है। वल अव्वल हो आखिर और ज़ाहिर व बातिन। और कयामत, सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया गया, कयामत का इल्म खुदा के पास। युनज़्ज़िलुल गैब, पानी को बरसाता भी वही है और कहाँ बारिश होती है, कहाँ होनी है, वो भी वो जानता है। पहले तर्जमा करके मैं मरबूत करूँ गुफ्तगू अज़ीज़ान किराम, जितने सुनने वाले हैं और कुरान की इन आयात को, न सिर्फ ये आयत, इस तरह की तमाम आयतें जो अकीदे को हमारे मजबूत करती हैं और वही फजाइल और मनाकिब को बेहतरीन तौर पर पेश करती हैं। हर मोमिन उससे पढ़ सकता है, उससे देख सकता है, उससे सुन सकता है, उस पर गौर व फिक्र कर सकता है, तदब्बुर कर सकता है। युनज़्ज़िलुल गैब, पानी का बरसना, बारिश का होना, बारा में रहमत का आना, ये भी परवरदिगार आलम का इख्तियार, उसके इल्म में। यालम मा फिल अरहाम, शिकम मादर में क्या है, पेट में क्या है, माँ के पेट में क्या है, ये भी खुदा जानता है। आगे मंजिल बढ़ी, कयामत का इल्म खुदा के पास, बारिश का होना अल्लाह जानता है, माओ के पेट में क्या है वो खुदा जानता है। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गद, कोई नहीं जानता कल को वो क्या कमाएगा। रिस्क, परवरदिगार आलम जानता है किसकी किस्मत में कितना रिस्क लिखा है, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, कौन सी चीज किसे कब इनायत होगी वो खुदा जानता है। और आखिर में मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता है किसकी मौत कहाँ आएगी और किस जमीन पर आएगी। किसी को नहीं मालूम है कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा। इख्तियार खुदा का। आयत भी खत्म हुई, सूरा भी खत्म हुआ। यहाँ पर परवरदिगार आलम ने 5 बातों को बयान किया। कयामत का इल्म खुदा के पास, बारिश का होना खुदा का इख्तियार, माँ के पेट में क्या है परवरदिगार जानता है, सूरतें उसने बनाई, साहिब औलाद उसने किया, वैसे ही रिस्क किसका कहाँ लिखा हुआ है ये खुदा जानता है, कौन कितना कमाएगा ये खुदा जानता है, किसको कितनी बरकत नसीब होगी ये खुदा जानता है। और आखिर में मौत, रिस्क और मौत दोनों को साथ बयान किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम नाज़रीन, देखने वाले, सुनने वाले गौर कर सकते हैं इन बातों पर कि जहाँ परवरदिगार आलम ने बयान किया। बे अय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, पैदा कहाँ हुआ, परवरिश कहाँ पाई, तरबियत कहाँ हुई, तहसील इल्म कहाँ किया, रिस्क के लिए जिद्दोजहद कहाँ की और आखिरी उम्र में जाकर कहाँ अपने रब से मुलाकात के लिए रवाना हुआ, यानी मौत आ गई। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसका इल्म खुदा को है। इन तमाम बातों को जानने वाला खुदा, इन तमाम चीजों का इख्तियार। अब अगर तेजी के साथ हम आगे बढ़े तो आप गौर कर सकते हैं, कयामत कब आएगी अल्लाह बेहतर जानता है। कयामत किस तरह रूनुमा हो उसके अहवाल कुरान और रिवायात ने बयान किए, लेकिन इख्तियार खुदा का। बात की मंजिल, बारिश का बरसना, पानी का बरसना, बारिश का होना, बारान रहमत का आना हो सकता है। आज की दुनिया में महकमे मौसमियात जैसी पेश गोई कर देते या पहले से इत्तला दे दी जाती है कि बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है या कोई और तरह से हवाओं का चलना, आंधियों का आना पेशगोई की जा सकती है। मिकदार कोई नहीं बता सकता, कमी और ज्यादती कोई पेश नहीं कर सकता, फायदा और नुकसान कोई नहीं बता सकता है सिवाय परवरदिगार आलम के। लोग इसके होने को तो बता सकते हैं, खतरात का इल्म किसी के पास नहीं है सिवाय खुदा के, क्योंकि गैब का जानने वाला वही है, गैब उसी के पास। अल्लाहुल गुयूब उसको कहा गया। ठीक है, ये कहा जा सकता है आज के किसी भी जहन में, और सवाल आ सकता है कि भाई महकमे मौसमियात इत्तला दे देता है, सारी चीजें बता दी जाती है। अजीजान गिरामी, यहाँ सिर्फ जानने की बात नहीं हो रही है, जानने के साथ इख्तियार की बात हो रही है। नफा और जरर सारा खुदा जानता है, उसके इख्तियार में। ये पूरी एक गुफ्तगू है। आगे जब मंजिल बढ़ी है, यालम माफिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, रहम मादर में क्या है, यहाँ भी कहा जा सकता है कि आज की दुनिया, आज की तरक्की याफ्ता दुनिया इतनी मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है, वो बता देती है लड़का है या लड़की है, क्या होने वाला है, ये वो बता दे, नुकसानदेह रहेगा या नहीं रहेगा वो भी बता सकते। फर्क है अजीजान गिरामी, बहुत बड़ा फर्क है। तस्वीर कशी के जरिए से किसी वजूद को बता देना अलग बात है, मगर ये इल्म खुदा और इख्तियार खुदा की मारिफत हासिल करना अलग बात है। अगर इसे कोई बता सकता है, इमामुल मुवक्किदीन, इमामुल आरिफीन, मेरा मौला है जो वाकई जिसने तौहीद को पेश किया है, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या मेरे इमाम ने अपने इस खुतबे में, कितने ऐसे खुतबात हैं अजीज़ान गिरामी, कितने ऐसे खुतबात हैं जिसमें हजरत ने परवरदिगार आलम की मारिफत करवाई, कैसी उसकी शान बताई, कितनी उसकी अजमत बताई, क्या क्या मोड़ ऐसे पेश कर दिए हैं कि जहाँ हर मौके और मोड़ पर फिक्र इंसानी बुलंदियों को छूती है। जहाँ आपने इरशाद फरमाया कि तुम जानना चाहते हो किस तरीके से उसका इल्म है, कितना उसका इख्तियार है, कैसे उसकी वुसअतें हैं, कैसा उसका लुत्फ करम है, फ़यअलमु सुब्हान मा फ़िल अरहाम मिन ज़करिन अव उन्सा। अल्लाह जानता है, उसकी ज़ात पाक मुनज़्ज़ा है, वो जानता है कि माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, बच्चा है बच्ची है, मिन ज़करिन अव उन्सा, लड़का है या लड़की है। अगर बात सिर्फ यहाँ रुक जाती तो आज के नाकिस ज़हन फिर से इश्काल या एतराज कर देते, ताकि हर एक को मौका मिल जाए। आज की दुनिया बताती, आज की मेडिकल साइंस बता रही है कि माँ के पेट में क्या, हजरत ने सिर्फ ये कहकर अपने खुतबे को नहीं रोक दिया, खुतबा तो और भी तकद्दुम और कई मारिफत की बुलंदियों को पेश करता है और मारिफत की बातों को बताता है। मगर आपने आगे जो अल्फाज, न सिर्फ ये मिन ज़करिन अव उन्सा, कबीहिन औ जमील, सकीन औ करीम, सईदिन औ शकीम, ग्रामीण अल्फाज को गौर करें, पहले तर्जुमा करके आगे बढ़ रहे। ये नशस्त में इतनी गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। तो कलाम, मासूम का कलाम, इमाम का कलाम सारी कायनात के कलामों का इमाम होता है, वैसे ही जैसे इमाम सारी कायनात का इमाम। हजरत ने जो जुमले और जो अल्फाज इरशाद फरमाए गौर, अभी हिंद औ जमील व सखी हिंद औ वकील औ शहीद व शहीद और शकील। परवरदिगार सिंह ये नहीं कह रहा है कि मैं जानता हूं माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, बल्कि ये बता रहा है कौन खूबसूरत है, कौन खूबसीरत है, कौन करीम और सखी रहेगा, कौन बकील और लईम रहेगा, कौन खुशनसीब होगा, कौन बदनसीब रहेगा, ये परवरदिगार जानता है। सआदत किसके नसीब में लिखी है, शकावत किसके पास आ गई है, ये परवरदिगार जानता है। मैं यकूनू फिर नारे हतबा, और ये भी जानता है आखिरत में कौन जहन्नम का ईंधन बनेगा और कौन फिर जिनान नबी न मुराफका, कौन नबियों के साथ जाएगा। आप जरा गौर कीजिएगा परवरदिगार आलम के इस इल्म और इख्तियार को कैसे मेरे मौला ने पेश किया। आज की दुनिया सिर्फ ये बता सकती है कि पैदा होने वाला जिंदा होगा या मुर्दा होगा, लड़का है या लड़की है, किस्मत कोई नहीं बता सकता है। अगर किस्मत कोई बताए तो या अल्लाह बताए या वली अम्र बताए, बेशक या खुदा बताए या वो बताए कि जिसके पास सारी कायनात के अमूर लेकर शबे कदर में फरिश्ते सलाम करते हैं। सलामुन या हत्ता मतलहिल फज्र, सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया सिर्फ ये बता सकती है कि पेट में एक वजूद है, ये लड़का है ये लड़की है, हो सकता है यहाँ तक भी कहे कि ये नाकिस हो गया या मर जाएगा या जिंदा रहेगा, किस्मत कोई नहीं बता सकता। सूरत बताने की बातें तो कर सकते हैं, सीरत कैसी है ये कोई नहीं बता सकता है। जिससे आज की खबर ना हो वो कल की खबर क्या देगा, कल की खबर तो वो बताए जिसकी निगाह सुबह क़यामत तक देख रही है, कल की बातें तो वो बताएं जिसके इख्तियार में सारा जमाना है। अव्वलीन का इल्म जो रखता हो, आखिरी का इल्म जो रखता हो, बल्कि यूं जिसकी जात से इल्म और हिकमत के चश्मे बहते हो वो बताएगा हकीकतों। यही चीज मेरा मौला बता रहा था, यही चीज मेरा इमाम बता रहा था कि सिर्फ माँ के पेट में क्या है जानना काफी नहीं है। परवरदिगार आलम अपने इख्तियार, अपने इल्म, अपनी कुदरत को, अपने इस शहकार को पेश कर रहा है जिसे उसने इंसान कहकर हमने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया। तो फिर आगे जब गुफ्तगू बढ़ी ये पढ़ना के ये तमाम मराहिल है अज़ीज़ान मोहतरम जिसे तफसीलात के साथ पेश किया जाता है। मुहक़्क़िक़ीन ने अपनी जिंदगियां सर्फ की है कुरान और अहले बैत के कलाम को समझने के लिए, उसकी तफसीरें करने के लिए, उसकी मानी करने के लिए। आगे बढ़े कोई नहीं जानता कि कौन कल को क्या कमाएगा। मैं जैसे तर्जमा करके आगे बढ़ रहा हूँ, इस तफसीरें हैं, तफसीलात है, क्योंकि आज की शब और तारीख से मरबूत करूँ गुफ्तगू, और फिर मरहूम के लिए भी साल सवाब है। हम सब अपने इमाम की बारगाह में वर्षा देने के लिए जमा, उनके जद की शहादत। कोई नहीं जानता कल को वो क्या कमाएगा। हर इंसान रिस्क के पीछे भागता है, हर इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान है। हालात अच्छे हों तब भी वो परेशान रहता है, हालात सख्त हो जाए तब भी वो परेशान रहता है। इसी को मेरे मौला ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, ये परवरदिगार की जात है जिसने लोगों के रिस्क को तकसीम किया है, हर एक की रोजी को बांट दिया है, हर एक के रोजी को बांटा। क्यों बांटा? जालम ना सिर्फ उसने तकसीम की है रोजी, बल्कि वो जानता है किसका किरदार कैसा है, किसका अमल कैसा है। अमल को भी पहचानता है, किरदार को भी पहचानता है। यही फर्क है अजीजान गिरामी। दुनिया सूरतों को देखकर मुतासिर हो जाती है, खुदा दिल को देख रहा है, नीयतों को देख रहा है। सूरत दुनिया परेशान हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, अल्लाह ने सूरत के साथ सीरत को बयान किया है, ये और बात है। खासान खुदा के लिए अल्लाह ने ये कमाल रखा है, सूरत भी ऐसी है कि उसे वजुल्लाह कहा गया, सीरत भी ऐसी है जो नमूने अमल करार पाती है। सलावत दुनिया की सूरतें नहीं है जिसे देख कर लोग वहशतज़दा हो जाए या उमक के आ जाए, ये वो सूरत है जो वजुल्ला है। देखोगे तब भी इबादत है, सोचोगे तब भी इबादत है, बोलोगे तब भी इबादत है, सुनोगे तब भी इबादत है। वैसे ही हजरत इरशाद फरमाए, उसने रिस्क को तकसीम किया, आमाल को वो जानता है, अफआल को वो पहचानता है, किरदार को भी जानता है, किसका किरदार कैसा है, कौन अमल कैसे कर रहा है। अल्लाह नियतों से वाक़िफ़, आगे अदद अनफास पूरा खुतबा है। अज़ीज़ान उठा के देखे जिसका दिल चाहे, एक एक लफ्ज हजरत ने जो बयान किया, कितना आला वो अरफा है। किरदार को पहचानता, आमाल को जानता है, रोजी तकसीम कर रहा है। क्यों? वो हर एक के नफ्स यानी उसके सांसों के चलने को तक जानता है, कौन कितनी सांसें ले रहा है और कौन कितनी सांसें लेगा। माँ के पेट से लेके कब्र तक ये पूरे सफर को परवरदिगार आलम बेहतर जानता है, इसलिए उसने रोजी हर एक की मुकर्रर कर दी। इस तरह बारान रहमत होती है, बारिश के कतरे नाजिल होते हैं, वैसे उसका फैसला तकदीर का रिस्क को लेकर आता है। अब ये अपने अपने जरूरियत की बात है। जैसे जमीन जज्ब करके काबिले काश्तकारी होती है, लहलहाती है, वैसे दिल होते हैं जो मारिफतों को जज्ब कर लेते हैं और हमेशा सआदतमंद करार पा जाते हैं। तो जो बंजर जमीन होती, कितनी ही बारिश हो पानी बह जाता है, वैसे ही मारिफतें कितनी है। रिस्क भी ऐसे ही है, जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं वैसे ही रिस्क भी नाजिल होता है। मौला ही का इरशाद है, अलग अलग मकामात पर नहज बलागत खुतबात की शक्ल में भी कलाम पेश किया गया। मुख्तसर जुमले जिन्हें कलिमात इख्तिसार कहा गया, जो जमा किया है नहज बलागत, वहाँ देखिए तालिबुन व मतलूबुन कह के भी लफ्ज है, यतलुबहु ततलुबहु का इस तरह के भी अल्फाज हैं, जिसका खुलासा बाहसल यही है, परवरदिगार आलम राज़िक़, खुदा रिस्क देने वाला है, हर चलने वाले का रिस्क वो देता है, हर दांतों के हिलाने वाले का रिस्क वो देता है, हर वजूद को वजूद बख्शने वाला वो है, चाहे वो इंसान हो या हैवान, जिन हो, परिंद हो, परवरदिगार आलम। खुशकी का हो, तरी का हो, हर एक का रिस्क देने वाला परवरदिगार आलम। और हजरत ने जिस खत्ते की तरफ इशारा किया, रिस्क तालिब व मतलूब, एक रिस्क वो है जिसे इंसान ढूंढता है, उसके पीछे भाग रहा है, एक रिस्क वो है जो खुद इंसान को ढूंढता हुआ आ रहा है। बारहा मजालिस में, खुतबात में हम इन चीजों को पेश करते हैं। तीन हमेशा कोशिश करता है आइमा के कलाम को, आयात को पेश किया जाए ताकि मारिफत के फूल हमारे दिलों में खिलते रहें और हम नूरानियत को हासिल करते जाए, कस्बे फैज करते जाए। और आखिर में मौत का तस्करा किया, मौत से पहले रिस्क का तस्करा किया, रिस्क और मौत दोनों को साथ रखा, यानी रिस्क है तो इसका मतलब हयात है, हयात है इसका मतलब रिस्क है, मौत आ गई तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मौत से बढ़ के मुहाफिज कोई नहीं। इन चीजों को गौर करें सब। हजरत ही का इरशाद, जहाँ से मौत आती है वहीं से रिस्क आता है, जहाँ से रिस्क आती है वहीं से मौत आती है। सवाल किया गया तो मौला, मौत कहाँ से आती है? आपने इरशाद फरमाया जहाँ से रिस्क आता है। रिस्क कहाँ से आता है? जहाँ से मौत आती। ये सारी चीजें पेश ताकि हमारा यकीन मुहकम हो जाए। अजीजान गिराम, बेशक कोशिश करना हर एक का काम, उठना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक का अनथक अपने आप को मेहनती करार देना सही है, लेकिन मेहनत के साथ बरकत की दुआ होना चाहिए। मेहनत हमारी होती है, बरकत उसकी होती है। कोशिश हम करते हैं, नतीजा वो देता है। इस तरह से हमारा यकीन आगे बढ़े, आय करीमा पेश कर। और साथ में आखिर में कहा कोई नहीं जानता है किसको कहाँ मौत आने वाली है, कौन कहाँ जाके मरेगा, रहता कहाँ था, मौत कहाँ आई, पैदा कहाँ हुआ है, जाके इंतकाल कहाँ हुआ है, जिंदगी कहाँ गुजारी है, आखिरी सांसें कहाँ ले रहा है। ये सब परवरदिगार आलम का इख्तियार। इसी के साथ आयत के इख्तिताम पर आमदीदारे आप गौर कर सकते हैं, तदब्बुर कर सकते हैं, फिक्र कर सकते हैं। कितना आसान तरीन तरीका है हर एक को आगाह करने का, हर एक को होशियार करने का। ऐसा ना हो रंगीनी ये दुनिया तुम्हें धोखा दे दे, दुनिया अपने फरेब कारियों के जरिए से तुम्हें जाल में जकड़ ले। आखिरत को याद रखो, क्योंकि मौत कहीं भी आ सकती है। इज़ा जा अजलुल्लाह इस्ताखिरु, जब मौत आती है तो ना एक लम्हा आगे बढ़ती है ना एक लम्हा पीछे हो, कभी भी आ कहीं भी आ सकती है। मगर फर्क है, फर्क, मौत हर हकीकत है, मौत सच्चाई है, मौत हर एक के लिए है, मौत सब के लिए है। लेकिन फर्क है, फर्क है, मरते सब हैं, कामयाब सिवाय मोमिन के कोई और नहीं है। मौत सबको आनी है, मगर बायकीन दुनिया से उठना सिवाय मोमिन के किसी और के लिए नहीं है। जाना तो सभी को है, लेकिन आकिबत बगैर सिर्फ मोमिन ही के लिए है। आकिबत बगैर सिर्फ मोमिन ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अजल हजरत से कहा क़ील सिर्फ लनल मौत, या अली आप बताइए मौत कैसी होती है। अजीजान मोहतरम, ये मारूफ तरीन अहादीस और साथ में हम हमेशा उलमा से, खुतबा से, जाकिरीन से सुनते हैं, किताबों ने बयान, हकीकत है। आप गौर करें, जब कभी मौत की तारीफ हो या मौत का मजा हो, दुनिया खामोश रही, या कहा तो अली ने कहा या औलाद अली ने कहा। मौत की जब भी बात आई है, कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अली और औलाद अली के। बल्कि यूं कहा जाए, तलवारों के साए में इत्मीनान के साथ लेट जाना ये खासा अली का है, तलवारों के साए में सजदा करना ये खासा अली और औलाद अली का है, और मौत को शहद से ज्यादा मीठी बताना ये अली ही के घराने का खासा है। बेशक कोई और नहीं बता सकता है। और जब हजरत से कहा सिर्फ लगन मौत की तारीख, हदीस तवील है तो उसका खुलासा करूँ कि हदीस के साथ आयात कुरानी। अब इतना वक्त नहीं कि मैं उन आयतों को सबको साखिर की और मौके दिए, बयान तो होता ही रहता है, हमेशा अपील भी बयान करते ही रहा, वो करते रहे। उसका खुलासा ही आपने कहा या नियामत है या आजाद या फिर हुज़्न याद, तीन तरीके और भी कई तरीके जो रिवायात में पेश की है। आयात कुरानी दलील है, रिवायात आइमा है, और भी कई तरीके जो हर एक का अपना मकाम। फिलहाल या तो नेमत बनकर मौत आती है या फिर अजाब की शक्ल में आती है, या फिर पता ही नहीं है मरने वाले को, हुज़्न यास में ना उम्मीदी, हर एक मजबूरी के आलम में बैठा हुआ है, पता ही नहीं है। इस तरह की तकसीम क्यों की? बतलाया कामयाब होने वालों के लिए हमेशा की नेमतें हैं, और जो नाकाम है उनके लिए हमेशा का अजाब, और जिनके लिए पता नहीं है ये वो लोग हैं जो कभी खैर की तरफ जाते हैं कभी शर की तरफ, उन्हें पता नहीं। रहमत से उम्मीद रखना हर एक के लिए लाजिम है, अजाब से डरना हर एक को चाहिए। इस तरह से जहाँ बयान किया, आगे रिवायत तवील है, इन चीजों को देखें आप, नेमत कैसे, अजाब कैसे, रिवायत ने और आया रिवायात ने और आयात ने बयान किया। नेमत उसके लिए है जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, बशारत उसके लिए है जिसके दिल में चिराग विलायत रोशन है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक वक्त उसकी जान निकलने का वक्त होता। नज़ा में सबसे ज्यादा तकलीफें सकरात मौत, क्योंकि ऐसे मौके पर कमाई हुई दौलत काम नहीं आती, बनाए हुए महलात काम नहीं आती है, मीलों देखती हुई जमीनें लहलाते हुए खेत और महकते हुए बागात काम नहीं आती। जवाहरात और जेवरात की चमक दमक मांद पड़ जाती है, बेहतरीन अनवा वक़्ताम की लज्जतें और नेमतें फीकी हो जाती है। क्यों? मौत का फरिश्ता जब आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। जब पंजा मौत का जकड़ता है, हरेक को दबोचता है, तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कुर्बान जाए मेरी जाने मेरे मौला के खाके पाक, और उन कदमों पर वैसे आलम में मेरा इमाम यकीन दिला रहा, जब सब छोड़ देंगे अली तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा, जब सब चले जाएंगे अली तुम्हारे लिए आएगा। अजीजान इकराम, कितना बशारत का और कितनी नेमत है कि मौत बाद में आएगी, अली पहले आ जाएगा। कब्र में छोड़ के सब चले जाएंगे, मेरी मोहब्बत विलायत का नूर कब्र को जगमगा देगा, नूरानी कर देगा। कयामत में सब एक दूसरे से भागेंगे, हौज कौसर पे जाम कौसर लेके साफी कौसर रहेगा, बुले सिरात पर अली रहेंगे, क्योंकि कसीम जन्नत नार अली की जात है। यही वजह है अजीज़ान गिरामी, अभी आयत में हमने सुना माफिल अरहाम, माओ के पेट में अल्लाह जानता है कौन किस तरह से रहेगा और अंजाम किसका बखैर होगा। कयामत का जिक्र हुआ, आखिरत में ये कहा कि कौन कहाँ मरेगा, ये सारे जिक्र को हमने सुना। और इस जिक्र को अगर आप खुलासे के साथ पेश कर दे तो यही जुमला मोमिन की कामयाबी के लिए काफी है। माओ ने पाला तो ना दे अली पढ़ कर पाला, माओ ने तरबियत की है तो अली का नाम लेके तरबियत की है। और जब कब्र में लिटाया गया तो ये कहा गया तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम अली की औलाद है, ये कहकर उसे रुखसत किया गया। अव्वल भी अली की जात है, आखिर भी अली की जात है। सलावत बेशक, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस तरह से हमें मारिफत को हासिल, जब ये मारिफत हासिल हो जाती है वो बंदा कामयाब। अब कहीं भी मरे, अब चाहे सफर में मरे, चाहे हजर में मरे, बिस्तर पे मरे या मैदान, कोशिश तो सही करते हुए मरे या साकी तो सालिम रहते हुए मरे, अब उसका मरना उसकी कामयाबी का ऐलान। जिस आलम में किसी भी दिन जाए, किसी भी वक्त जाए, क्योंकि हमारी मोहब्बत में मरा है वो शहीद उठा दिया। ये मोहब्बत और ये मारिफत उसकी कामयाबी की दलील। यही तो कहा था पैगम्बर, पैगम्बर का यही तो इरशाद है, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो शहीद का सवाब पाए, उसका दर्जा शोहदा के साथ। कुरान कह रहा वहीं उसी अल्लाह और रसूल, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, उन लोगों के साथ रहेगा जो अम्बिया और शोहदा इबादुल्लाह सालिहीन और सिद्दीकीन है, हस्न उलाइका, बेहतरीन रिफाकत यही है, उनके साथ रहे। इसीलिए कहा हमारे चाहने वाले हमारे साथ, हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं। और इमाम का इरशाद, उस खुदा का शुक्र है जिसने ऐसे हमारे चाहने वाले रखे हैं जो हमारी खुशी में खुश होते, हमारे गम में गम होता। और आपने ये इज्जत और शरफ नहीं तो और क्या है। दुनिया के लोग जाते हैं, मौतें होती हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो मौत होती है, हर एक का अपना तरीका, हमें उसके ऊपर ना गुफ्तगू करना है ना उस पर कोई बात करनी है। तो सिर्फ बाईमान मोमिन और उसके वक्त आखिर उसकी आखिरत को देखना। जाती हैं चले जाते, अब चाहे खामोशी मना के दुनिया खड़ी हो जाए, 2 मिनट की खामोशी कर ले या कोई गुलदस्ता रख, ना साकित रहने वाले को कोई फायदा है ना जाने वाले के लिए कोई नजात का जरिया, कुछ नहीं है। अगर सवाब और ईसाल सवाब है तो गुलामान या अहलबैत के लिए। क्यों? सवाब उसी को पहुंचता है जिसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत है, जो अहलबैत की मोहब्बत में मरा है। जो आइम्मा की मोहब्बत में दुनिया से उठा है, मुनाफिक के लिए ईसाल सवाब नहीं, काफिर के लिए ईसाल सवाब और नजात नहीं है। नजात का ऐलान अली वालों के लिए है। या अली शियतों का हुमुल फाइजून यौमल क़यामा, ये अली आपकी शिया क़यामत के दिन कामयाब, पैगंबर का और इमाम की दुआ। हमारे चाहने वाले हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमजदा हो, हमारे लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, हमारे लिए खर्च करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और वही इमाम कि जिसके नाम से आज हमारा मजहब, जिसके नाम से आज हम पहचाने जाते हैं सारी दुनिया में, यही तो इमाम है जिसकी शहादत की है तारीख। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम की शहादत। आप गौर, 15 शव्वाल, 25 शव्वाल, दोनों तारीखें गम तो गम। ये वही इमाम जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में शरीयत अहकाम है, इबादतें की जा रही है, आज शीयत को पहचाना जा रहा। इमाम के सीरत तैयबा के कितने नुकूश हैं। अजीजान गिरामी, सारी दुनिया आज जो तरक्की करके जमीन से लेकर आसमान तक जा रही है, सैयारों सितारों को खंगालना चाहती है, फिजाए बसीत में सफर करना चाहती है, वो इसी इमाम का सदका है जिसने उलूम के चश्मे बहा दिए। आप गौर करते, वाकई करबला के बाद मैं मरबूत करते हुए गुफ्तगू चलूँ, मरहूम के लिए इसाले सवाल। हमारे भी बुजुर्ग, सबके बुजुर्ग रहे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनकी दर्जात आली करे। लेकिन चूंकि इमाम का जिक्र है, इमाम का जिक्र ही काफी, हर एक के लिए काफी है। आका के जिक्र के सामने किसी का जिक्र नहीं, मौला के जिक्र के आगे किसी का जिक्र नहीं। वो जिक्र करना ही हमारी बख्शिश का जरिया है, उनसे मोहब्बत करना ही हमारी पहचान, उनसे मोहब्बत ही हमारी नजात। दुनिया से लेकर आखिरत तक अगर नजात है तो इमाम के कदमों से वाबस्तगी में और इमाम के दर से वाबस्तगी में। यहाँ पर आप और ये सारी दुनिया और सारी दुनिया की तरक्की, आज साइंस ने जितनी तरक्की की या दीगर उलूम जितने हैं, चाहे जो इल्म हो, उन तमाम पर इमाम का एहसान है, इमाम की वजह से पाया जाता। क्यों? ये मौलाए कायनात की मसनद इल्म है जिसे इमाम ने पेश किया। तारीख ने बहुत से वाकयात बयान, सीरत तैयबा किस तरीके से रही है। आप गौर कर सकते हैं, वाकये करबला के बाद उंगलियों पर गिना जा सकता है चाहने वाले कितने थे वैसे आलम में कि जहाँ मेरे इमाम ने और सानिया जहरा ने भरे दरबार में जालिम और कातिल को बेनकाब किया और रहती दुनिया तक जलील और रुसवा कर दिया। वहीं मदीने वापस आने के बाद फर्श अज़ा के जरिए से इस्लाम की बका का ऐलान किया, सैयद शोहदा की फतह का ऐलान किया और अपनी दुआओं और अपनी तालीमात के जरिए से इस्लाम को किस तरह से फैलाया। यही मकसद जब आगे बढ़ा तो पांचवें इमाम को दो। हजरत को बाक़र कहा ही जाता इसलिए है कि आपने शिगाफ्ता की, बकर के माने शिगाफ्ता कर, यानी उलूम को इस तरीके से पेश किया दुनिया में कि दुनिया देखती रहे कैसे कैसे इल्म निकल कर आए। और वही जब सिलसिला आगे बढ़ा तो ऐसा मकतब, ऐसा हौजा, ऐसा मदरसा जिस मदीने में उंगलियों पे गिना जाता था, उस मदीने में हजारों की तादाद में शागिर्द छठे इमाम की और पांचवें इमाम। सुबह से शाम तक बहस मुबासा, उलूम के चर्चे, जमीन और आसमान की बातें, और इमाम ने अपने किरदार से बताया, देखो तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए, तुम्हारी रविश कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा तरीका कैसा होना चाहिए। ताकतें लड़ रही थी, दोनों ताकतें। आप देख सकते हैं अजीजान गिरामी, तारीख इस्लाम की इस मोड़ को कासिमीन ने हक अहले बैत को गर्ज किया, तालिमीन ने जुल्म ढाया, कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो बनी उमैया हो या बनी अब्बास। खुदा हर दुश्मन अहले बैत पे लानत और अज़ाब नाज़िल करे, बेशुमार हर दौर के दुश्मन अहले बैत पर और उन दुश्मनों के मानने वाले, उनके फेल से राजी रहने वालों पर। बेशुमार आप गौर करें किस तरह से इन ताकतों ने इस्लाम को मजरूह किया है, इस्लाम के नाम पर जो खून की नदियां बहाई, जहाँ पर एक जाता है तो दूसरा आता है, वैसे आलम में कि जब सारे करो आपस में लड़ रहे थे इख्तिदार की खातिर, हुकूमत की खातिर, लाशों पर अपना तख्त बिठाना चाहते हैं और खून के दरिया पर अपने इख्तिदार को कायम करना चाहते हैं। इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ये दहशत गर्दी नहीं है तो और क्या है? ये कत्ल गारतगिरी नहीं है तो क्या है? वैसे पुराशोभ दौर में इमाम ने जो सीरत अपनाई है, सुबह क़यामत तक ये इमाम की सीरत का मौजूदा है। उस आलम में, उस दौर में इमाम ने दुनिया को नहीं देखा, इख्तदार को नहीं देखा, तख्त ताज को नहीं देखा, दौलत को नहीं देखा, बल्कि इमाम ने मसनद इल्म बिछाई, मसनद इल्म बिछाई और मसनद इल्म बिछा कर बता दिया दुनिया के पीछे भागने वाले और है, दुनिया को ठोकर मारने वाला अली का बेटा और है। और इमाम ने बता दिया अपने किरदार से, मैं उस मुश्किल कुशा का, उस अली का बेटा हूँ जिसके लिए पैगंबर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, और कुरान जिसका कसीदा पढ़ रहा वमन इंदहु इल्मुल किताब। और मकसद इल्म बिछाई तो हर एक को सैराब किया। ये शान मौलाए कायनात की है जिसे छठे इमाम पेश कर रहे हैं। कल अली ने कहा था तौरात वाले आए तो तौरात से फैसला करूंगा, ज़बूर वाले आए ज़बूर से, इंजील वाले आए इंजील से, कुरान वाले आए कुरान से फैसला करूंगा। सीना उलूम का ठाके मारना समंदर है, किसी के फिक्र का परिंदा परवाज नहीं कर सकता उन बुलंदियों को जहाँ अली के कदम है। क्यों? यहाँ से उलूम के समंदर बहते हैं, चश्मे बहती हैं, नदियाँ निकलती हैं हिकमत के और इल्म के। पैगंबर ने पहले ही ऐलान कर दिया जिसे इल्म और हिकमत चाहिए वो अली के दरवाजे पर आए। और ये दरवाजा दीदान ग्रामी है ही इतना शरफ और इज्जत वाला, जितना सर झुका के आओगे उतनी इज्जत मिलेगी, जितना साइल बन कर आओगे उतना दामन भर जाएगा और हमेशा खोजा। ये मेरे इमाम का किरदार इल्म की शमा ऐसे रोशन की है कि दुनिया से रात। हजारों शागिर्द हैं, हजारों की तादाद में, फ़िक़्ह और तफ़सीर और कलाम और फ़लसफ़ा और जिस तरह से अक़ाइद हों, हर एक उलूम को पेश कर दिया। आज दुनिया की तरक्की उन उलूम की वजह से, कहने वालों ने ये कहकर अपने आप को पेश किया अगर इमाम की खिदमत में 2 साल ना होता तो मैं हलाक हो जाता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला जरूर याद रखिएगा। कल मौलाए कायनात के सामने और हजरत की हयात तैयबा में कहने वाले ने यह कहा था अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आज फर्जंद अली के सामने और हजरत के लिए कहा जा रहा है अगर मैं छठे इमाम की खिदमत में ना होता और ना जाता तो हलाक हो जाता। बेशक अरे अहले बैत को जिसने छोड़ा वो हलाक हो गया। पैगंबर की हदीस है मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह, जो सवार हो गया वो नजात पा गया और जो सवार नहीं हुआ, जिसने इनके दामन को छोड़ दिया वो हमेशा के लिए हलाक है। ये मेरे इमाम का किरदार। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम की हदीस शरीफ पढ़कर सबके नसायब दिया जाए और गुफ्तगू के अख्तिताम पे लाया जाए। वक्त की कमी और वक्त की महदूदियत के पेश नजर ये तो कितने कलाम। आज सारा दीन और सारी शरीयत इसी इमाम की वजह से। काम के लिए, जब मारिफत के लिए आपने पेश किया, खुदा की मारिफत के लिए। मारिफत एक ऐसी ताकत और ऐसी नूरानियत है जो तन्हाई में भी इंसान को तन्हाई का एहसास होने नहीं देती है, कमजोरी में भी इंसान को कमजोरी का एहसास नहीं होने देती है, ताकतवर बताती। अंधेरों में भी ऐसा नूर होती है कि इंसान उसकी नूरानियत में सफर हयात को तय करता है। अल्फाज में शब्द पेश शिफा पूरी हदीस और हर बीमारी से शिफा। आज सारी दुनिया एक वबा और बीमारी से परेशान है। क्या ये वक्त नहीं है कि अपने दिलों को साफ करके दरे अहले बैत की तरफ देखा जाए? क्योंकि करीम का दरवाजा खुला है, नजर करम पर हमेशा है। बारहा अकीर जुमले को अर्ज करता है अपनी मजालिस में और करता ही रहेगा। अजीज़ान मोहतरम, मौत नहीं आ सकती जब तक कि मेरा मौला ना आ जाए, दुनिया खत्म नहीं हो सकती जब तक के फर्जंद अली का ज़हूर ना हो जाए। अज्जलल्लाहु तआला बलाएं, मुश्किलात, परेशानियां आती रहेंगी, यही तो इम्तिहान हमें और मजबूत बनाते हैं। जैसे तलवार सैकल की जाती है वैसे ही इम्तिहानात मोमिन को सैकल करते हैं। सोने को खसा जाता है ताकि खालिस सोना निखर के सामने आए, वैसे ही आजमाइशें मोमिन को इस तरीके से बदल देती हैं कि वो और बेहतर से बेहतर हो जाता है। इस तरह मेरे इमाम का किरदार, मेरे इमाम की सीरत तैयबा, यही मारिफत है जो अंधेरों में रोशनी देती है, नूरानियत देती है। यही मारिफत है जो बीमारियों से शिफा देती है। एक मरतबा पुकारे तो सही, आवाज तो दे दिल से। ठीक है, इम्तिहान सख्त हो रहा है तो यकीन कर लीजिएगा मोहब्बत उतनी ही पक्की हो रही है। ये मेरा इमाम, और कैसे चाहने वाले इमाम के हयात तैयबा में ऐसे चाहने वाले थे जिन्होंने सिर्फ दीदार के लिए अपने आप को मुश्किलात में डाला, न सिर्फ मुश्किलात में डाला, कैसे कैसे बहाने करके, कैसे कैसे तरीके करके, क्योंकि जालिमों ने इस तरह से पहरे लगा दिए थे कि उस महल्ले में भी कोई आने ना पाए, उस कूचे में भी कोई जाने ना पाए जहाँ हजरत का बैतुशरफ। कौन जा रहा है, नजर रखी जाए। जासूसों को फैला दिया, मुखबिरों का जाल फैला दिया गया। ये तो मेरे इमाम का करम था, चाहने वालों के लिए ऐसा इंतजाम किया ताकि किसी की जान खतरे में ना हो। और चाहने वाले वैसे ही थे जिन्होंने हजरत के दर से वाबस्तगी के साथ अपने आप को वाबस्ता रखा और हमेशा के लिए सुरखरू हो गए। वैसा मेरा इमाम जिसने उलूम के चश्मे बहाए, जिसने हर तश्नगान इल्म को सैराब किया। उम्मत ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उस इमाम को जहर दे दिया। मेरे इमाम की शहादत, हजरत की शहादत की ये तारीखें, अजीज़ान गिरामी, जहर से मेरे इमाम को शहीद किया गया। लेकिन मैं कुछ मुसीबत के गोशे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि मजलिस खत्म हो, हम सब पुरसा दे अपने इमाम की बारगाह में। बानियाने मजलिस, मरहूमीन, हर एक के लिए, तमाम गरीब के लिए दुआ है। कैसे कैसे सितम ढाए इमाम के मोहल्ले और इमाम की पूछे, हजरत के घर के बाहर पहरा लगा दिया गया, गोया नजरबंद कर दिया जा रहा है। आने वालों को रोका जाता है, उनकी जान और माल के लिए खतरे पैदा कर दिए। इससे भी काम ना पड़ा, उस पर भी उनका दिल न भर आया। इमाम के घर को आग लगाई गई, इमाम के घर को आग लगाई गई ताकि जला दिया जाए। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम का इरशाद था, मैं वारिस इस्माईल नबीउल्लाह हूँ, मैं वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। इतना इमाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन आंखों में आंसू थे। आग बुझा दी गई। चाहने वालों ने कहा, जब रसूलुल्लाह आग बुझा दी गई है, आपकी आंखों में आंसू है। इमाम ने अब जो जुमला कहा है, अजीज़ान गिरामी, हर दिल शक हो जाए। आप मेरे घर में आग लगाई गई, जब बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, मुझे करबला याद आ गई है कि किस तरह शाम गरीबा में खैमे जलाए गए और यतीम बच्चे भाग रहे हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। वैसे आलम में कौन है, कोई नहीं है। अगर कोई है तो मेरा बीमार इमाम, और फिर वो शहजादी सानी जहरा। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बहन से वसीयतें की, बेटे के सुबह असरार इमामत किए और बहन से वसीयतें की। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, बहन और भाई का रिश्ता कैसा होता है, सारी दुनिया ने देख लिया। जनाब ज़ैनब के किरदार ने बता दिया। बेशक जनाब मूसा की बहन का तस्करा है कि संदूक को देखते देखते नील के किनारे किनारे जा रही थी। फिर दरबार में भी पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं बताती हूँ कौन दूध पिलाएगा, किसका दूध पिलाया जाए। वो एक किरदार था। बेशक एक और किरदार जनाब हमजा की बहन, मेरी पैगम्बर मौलाए कायनात की फूफी का है कि जंग ओहद में जो आई है, पैगम्बर कितना गिरिया कर रहे थे। बेशक एक और किरदार है जो बाद के जमाने में भी नजर आया, जनाब मासूमा का जनाब मासूम कौम का अल्लाह अकबर। 11वें इमाम के दौर में इमाम की विलादत, 12वें इमाम की विलादत में आसादत आपके नूर की तजल्ली के वक्त भी नजर आया किरदार, लेकिन तमाम इन सीरतों में उन किरदारों में सबसे आला किरदार किसका है? सादी ज़हरा का है। क्यों ऐसी बहन जो मदीने से कह के निकली थी कि बगैर हुसैन के ज़ैनब कैसे रह सकती है, हाय शाम गरीबा। इसी तो मेरा छठा इमाम याद करके रो रहा है, आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, भाई के बगैर बहन कैसे रहे? ये कोई जनाब ज़ैनब के दिल से पूछे, जनाब उम्मे कुलसूम के दिल से पूछे। इसीलिए दादा बहन उम्मे कुलसूम आओ, अब अब्बास नहीं है कि पहरा दे, अब घर उजड़ चुका है, बच्चों को जमा किया। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा किसी गम में न रुलाए। अल्लाह अकबर, हमारा पुरसा हमारे ईमान की बारगाह में। आप गौर करें क्या दर्द की मंजिल है। जालिमों ने कैसे कैसे सताया, कभी दरबार में बुलाकर, कभी बहसें करवा कर, कभी मनाजरे करवा कर घर को आग लगा दी। इस पर भी इनका दिल न भरा, तो इसके बाद इमाम को जहर दे दिया गया। आलम ये था, कभी आंखें बंद करता मेरा इमाम, कभी आंखों को खोलता मेरा इमाम। अल्लाह अकबर, जब इमाम ने आंखें खोली वसीयत की, जिला रहम को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एक एक बात शरीयत की है। इमाम मेरा वसीयतें कर रहा है, इनका ख्याल रखना, इन्हें इतनी रकम दे देना, इसके लिए ये चीज मैंने रखी है। और सबसे आखिर में जो मारूफ तरीन हजरत की वसीयत है, हमारी शिफात उसे नसीब नहीं होगी जिसने नमाज को हल्का समझा, नमाज को सबक किया, उसके लिए हमारी शिफात नहीं है। हाथों को जोड़ के अर्ज करो, मौला कितना तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जालिमों ने जहर दिया। अल्लाह अकबर, कितनी मंजिले मुसीबत है कि जहाँ आप बेचैन हो रहे हैं, बार बार करवटें बदल रहे हैं, लेकिन आपने वसीयतें की हैं। आपने कितनी आसानी के साथ वसीयतें की, अपने फर्जंद से की है, चाहने वालों से की है। एक मेरा गरीब इमाम है जो वसीयतें कर रहा है, तो बदलती रोज चलनी है, बेटा बाप को देख रहा है, एक ही जुमला है, बाबा मेरा चचा कहाँ है, मेरा भैया कहा। अल्लाह अकबर, की तरफ देख कर ये काफिर लाल, बस तुम्ही सारी जिम्मेदारियां निभाना कैसे ना हो। जिसका बेटा मौजूद हो, जनाजा की शान से उठा, सारी तारीख गवाह है, जनाजा भी उठाया गया, खतीब लाया गया। मेरा सातवां इमाम है जो नमाज के लिए खड़ा है, तजहीज़ तकमील भी कर दिया गया। मेरा इमाम ने सातवें इमाम के हाथ तो कफन पहनाया गया, गुस्ल दिया गया, नमाज के लिए मेरा इमाम खड़ा है कि शान से तशरीह जनाजा हो रहा है। अजब नहीं, मेरा इमाम तड़प के फरियाद कर रहा है, या अल्लाह आपका लाशा जलती जमीन पे पड़ा रहा, आए सैयद सज्जाद, जिसका जान बेटा हो, उसके बाबा का लाशा में हो। ज़िक्र क़लील को कबूल फरमा। मालिक, हमारा पुरसा हमारे इमाम की खिदमत में पहुँचा। हमारा पुरसा हमारे इमाम की खिदमत में पहुँचा। करात को इन फातिहाओं को सवाब मरहूम गुरूह के लिए मुहैया फरमा, उनके दर्जात को आली फरमा। जमी मरहूमीन मोमिन इनास मग़फ़िरत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिन इनास रहते सबकी जान माल इज्जत आबरू के साथ हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता यूसुफ ज़हरा का, तुझे वास्ता छठे इमाम का, तुझे वास्ता शुहदाए करबला का, जनाब सकीना जनाब अज़हर का वास्ता। मालिक, इस बला से, इस वायरस से हम सबको माहली वाली जुमला मोमिनी मोमिना दुनिया के जिस जिस गोशे में है महफूज रख। दुनिया को इस वबा और बला से महफूज रख। मालिक, हमारे आमाल खलीला को कबूल फरमा। इसमें जो कमियां भी क्या कोताहियां रह गई है, मालिक से दरगुजर फरमा, हमारा अमल कलील है तेरा तेरी अता कसीर है, तो खैरुल अमल के सबके में खैर कसीर इनायत फरमा, इल्म अमल अखलाक पे इखलास पे हमें आरास्ता फरमा, हमारे इमाम ज़हूर में तअजील फरमा, हजरत ज़हूर हजरत के गुलामों नासिरों में हम सबको शामिल फरमा, हजरत की दुआओं में हमें शामिल फरमा, हजरत क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, हज ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमा, शिफ़ाअत जनाब सैयदना में हम सबको शामिल फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। तमाम नाज़रीन से मोमिनीन से गुजारिश है इन मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। सैयद बाक़र मूसवी मरहूम, इब्न सैयद रज़ी मूसवी मरहूम, सैयद रज़ी मूसवी मरहूम, सैयद बाक़र मूसवी मरहूम, सैयद अस्करी हुसैन ज़की मूसवी, इब्न मीर अब्बास अली मूसवी मरहूम, सैयद बाक़र मूसवी इब्न मीर अब्बास अली मूसवी मरहूम, ज़हरा बेगम मरहूम और भी दीगर तमाम मरहूमीन के नाम कई नाम है। उन तमाम क़रीबतियों बानी मजलिस के तमाम खानवादे के मरहूमीन के लिए जुमला मरहूमीन मोमिनीन और नाथ के लिए सूरह फातिहा बंदी और सूरह फातिहा सरकार फिर मोहम्मद अली खानवादे। जी अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हादी बाखरी साहब से कि वो इख्तिताम पर ज़ियारत। जनाब हादी बाखरी साहब। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजलिस के बानी मोहतरमा मलिका साहबा के हुक्म के मुताबिक मैं आज इस इतवार के दिन की ज़ियारत अमीर उम्मीद जनाब सैदा मुख्तसर और छोटी सी ज़ियारत इमाम हुसैन की और फिर आम ज़माना की सलामती की दुआ करता हूँ। मैं ज़ियारत अमीर उम्मीद जनाब सैदा पढ़ता हूँ अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, जुमला मोमिन मोमिनात की जानिब से, बिलखसूस असीरान ज़ेर ख़ाक की जानिब से और ख़ास तौर से मेरे पपाजाद भाई सैयद बाक़र मूसवी अपने सैयद रज़ी मूसवी की जानिब से ग़ुरबतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अला शजरतिन नबविय्या वत्तौहतिल हाशमियतिल मुदिया अल मुस्मिरति बिन नबुवा अल मुनिक़ति बिल इमामा वअला सजियिका आदम व नूहिन अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैका व अला अहलि बैतिका अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अस्सलामु अलैका व अलल मलाइकतिल मुहदिक़ीन बिका वल हाफ़ीन बिक़ब्रिक या मौलाया या अमीरल मुमिनीन। हादा यौमुल अहद व हुवा यौमुका व बिइस्मिक व अना ज़ैफ़ुका फ़ीहि व जारुक वाज़िफ़नी या मौलाया वाजिरनी फ़इन्नका करीमुन तुहिब्बु ज़ियाफ़त मामुरुम बिल इजारा फ़फ़ल्मा रग़िब्तु इलैका फ़ीहि व रजौतुहु मिन्क बिमंज़िलतिका व आलि बैतिका इन्दल्लाहि व मंज़िलतिहि इन्दकुम बिहक़्क़ि इब्नि अम्मिका रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व अलैहिम अजमईन। बीबी फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु इम्तहनकिल्लाहिल्लज़ी खलक़की फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरतन अनालकी मुसद्दिक़ुन साबिरुन अला मा ताबिही अबूक वसियुहु सलवातुल्लाहि अलैहिमा वना असअलुकी इन कुन्तु सद्दक़तुकी लल्हक़्तिनी बितस्दीक़ी लहुमा लितुसर्र नफ़्सी फ़शहदी अन्नी ज़ाहिरुम बिविलायतिकी व विलायति आलि बैतिक सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सैयदी व मौलाए या अबल फज़्ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या क़रीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईन अद्दुअफ़ाअ वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान या अबल हसन या अली इब्न मूसा अर्रिज़ा, शफीना व शफीना वालिदैना फी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबआ व अबनाइका अल अरबआ। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या मौला या इब्न मौला या साहिबल अस्र व ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान। अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उदवान। अलमान अलमान मिन फितनति ज़मान। अज्जल अल्लाह ताला फरजक व सहल अल्लाह ज़हूरक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक व शियतिक व मुहिब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम दिया इमाम ज़माना की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिहि साआ व फी कुल्ली साआ वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फी तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप तमाम मोमिनीन का, तमाम मोमिनीन व मोमिनात का बानियान मजलिस सैयदा बाक़र मूसवी साहिबा ख्वाहर व खानवादी की तरफ से मैं तमाम मोमिनीन पढ़ने वालों का दीगर सबका जाकिरीन मरसी खान सलाम व ज़ियारत खान तमाम का बानियान मजलिस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ मौला आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।